हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कौन बनेगा बिग बॉस 15 का विनर और राखी ने क्या एलिगेशन लगाया है बिग बॉस पे और क्या कहा है तेज रन के लिए और उमर रियाज क्यों नहीं आए बिग बॉस 15 के ग्रैंड फिनाले में। तो चलिए शुरू करते हैं। शहनाज गिल और सलमान खान इमोशनल होते हुए दिखे सिद्धार्थ शुक्ला को याद करके और शहनाज ने सिद्धार्थ शुक्ला के लिए परफॉर्म भी किया। टॉप 6 थे शमिता, प्रतीक, निशांत, करण, तेजस्वी और रश्मि, जिसमें से रश्मि घर से बेघर हो जाती है और निशांत भट्ट पैसों का सूटकेस लेकर बाहर आ जाते हैं। निशांत के लिए नेहा बसीन इंस्टा पे स्टोरी भी शेयर करती है। दोस्तों, प्रतीक फैम ने 18 मिलियन से भी ज़्यादा ट्वीट कर दिया है प्रतीक के लिए और जब वोटिंग क्लोज हुई तो सबसे ज़्यादा वोट प्रतीक को ही मिले थे और सेकेंड में तेजस्वी है और थर्ड में करण कुंद्रा है। शेफाली जेरीवाला, जो कि बिग बॉस 13 के एक्स कंटेस्टेंट है, उन्होंने प्रतीक के लिए ट्वीट किया और कहा, एज पर द मोस्ट पोल क्लियर विनर ऑफ बिग बॉस 15 इज प्रतीक सहजपाल। आई थिंक द टॉप टू विल बी करण कुंद्रा एंड प्रतीक सहजपाल। लेट्स सी हु लिफ्ट्स द बिग बॉस 15 ट्रॉफी। ऑल द बेस्ट टू ऑल द फाइनलिस्ट। आई एम पर्सनली रूटिंग फॉर प्रतीक सहजपाल एंड स्पेशल मेंशन हैशटैग प्रतीक फैम गाइस रॉक। दोस्तों, डेबोरिना भट्टाचार्य हॉस्पिटल में है और अफसाना खान उनसे हॉस्पिटल में मिलने गई थी और अफसाना ने पोस्ट भी शेयर किया अपने इंस्टाग्राम पे। देखो, आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ, मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ। तो आप बहुत अच्छे हो, तो कितनी प्यारी हो। थैंक यू सो मच गाइस। शादी पे आना है और शादी में आऊंगी और नाचूंगी भी। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सो मच। दोस्तों, राखी सावंत बिग बॉस के खिलाफ काफ़ी कुछ कहते हुए दिखी। राखी ने कहा, बिग बॉस मुझे हर सीजन एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं और कभी भी मुझे ट्रॉफी जीतने नहीं देते। इसका मतलब ये है कि बिग बॉस अगर आप हर साल मुझे बुलाएंगे तो आप सिर्फ मुझे टिश्यू की तरह इस्तेमाल करेंगे। मैं टिश्यू पेपर नहीं हूँ बिग बॉस, मैं जीती जागती इंसान हूँ। राखी शो में ये भी कहते हुए दिखी कि करण और तेजस्वी बिना कुछ किए, बिना एंटरटेन किए इतने आगे तक आ गए हैं। दोस्तों, उमर रियाज के फैंस को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी कि उमर रियाज को वो बिग बॉस 15 के ग्रैंड फिनाले में देखेंगे, पर उमर रियाज ने डिसाइड किया है कि वो बिग बॉस 15 के ग्रैंड फिनाले को स्किप करेंगे क्योंकि उनका एविक्शन काफ़ी ज़्यादा अनफेयर था। इसीलिए उमर रियाज ग्रैंड फिनाले का पार्ट नहीं बनेंगे और उमर रियाज के फैंस उमर आर्मी शो मेकर्स को जवाब देते हुए ये ट्वीट कर रहे हैं कि जिसको विनर बनाना है बना लो, पर पब्लिक विनर उमर ही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है किसे होना चाहिए बिग बॉस 15 का विनर और राखी ने जो कहा है वो सही है या गलत, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।